आज हम बात करने वाले हैं फनल्स की। क्या होता है फनल्स, आप फनल बना के करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। कभी आप मैकडोनल्ड गए हो? मैकडोनल्ड जाओगे अंदर, आपने बर्गर ऑर्डर किया, वो बोलते हैं कि आपको कोक भी चाहिए क्या, आपको फ्राइज भी चाहिए क्या साथ में? आप पूछोगे नहीं, फिर भी वो बोलेंगे, और सिर्फ बोल देने से उनकी सेल्स बहुत बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला बर्गर चाहिए, तो उन्होंने बोला सर आपको कोक भी ऐड कर दें, तो आप बोलोगे हाँ कर देते हैं, तो 10 में से 4-5 लोग बोलते हैं हाँ ऐड कर दीजिए। और जब ये बड़े स्केल पे होता है, जब करोड़ों ऑर्डर्स में गिना जाता है, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल का मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो इसको ये फनल है, एक ऐसा सेल्स फनल है ताकि उनका ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। बट हम सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन सेल्स फनल क्या होता है, बिकॉज ये जो फनल है ये बिजनेस का फनल है, बट बेसिक फनल होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं ले चलता हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड पे और आपको पूरा सिखाता हूँ डिटेल में। हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे और आज हम सीखने वाले हैं फनल के बारे में पूरा डिटेल। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। देखो, फनल एक कस्टमर का जर्नी है, ठीक है, एक कस्टमर का जर्नी होता है फनल। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट है अननोन व्यक्ति, कोई आपको जानता ही नहीं, ठीक है, वहाँ से कस्टमर तक बनना, उसके जर्नी को आप कह सकते हो फनल, ठीक है। और भी आगे स्टेप्स होते हैं, बट बेसिक आप यही समझो अभी फिलहाल, ठीक है। तो फनल क्या होता है, फनल मतलब एक सेट ऑफ प्रोसेस जिसकी मदद से कोई भी कस्टमर आपका कस्टमर बने, कोई भी बंदा आपका कस्टमर बने, उसको हम लोग कहते हैं फनल, ठीक है। अब सीधी सी बात एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ बेचना, कोई सेल करना है, तो डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ लॉन्च किया और आप बेच रहे हो, डायरेक्ट कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो उसके लिए हम लोग फनल बनाते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, तो ये जो फनल के स्टेजेस होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, अवेयरनेस, डिस्कवरी, इवेल्यूशन, इंटेंट, परचेज, लॉयल्टी। तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, फिलहाल आप ये समझो अवेयरनेस, डिस्कवरी, इवेल्यूशन, इंटेंट, परचेज क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा विद इन 1-2 मिनट्स, ठीक है। सो कोई बंदा आपके पहला वीडियो देखा, आपका पहला वीडियो देखा, आपके इंस्टाग्राम पे उसने लाइक किया, आपकी स्टोरी देखा पहला, आपको कहीं इंटरव्यू देखा, कहीं भी देखा, कोरा पे देखा, कहीं देखा, तो वो इस स्टेज पे है, अवेयरनेस स्टेज पे है, ठीक है, वो अवेयरनेस स्टेज पे अभी। और सही बताऊँ तो वो आपकी सामान अभी खरीद नहीं सकता, जो भी आप बेच रहे हो वो खरीद नहीं सकता, तो अवेयरनेस स्टेज। नेक्स्ट स्टेज डिस्कवरी स्टेज। अब यहाँ पे लिखा है डिस्कवरी स्टेज में क्या होता है, वो थोड़ा रिसर्च करना शुरू करता है आपके बारे में, हो कौन आप, थोड़ा सा आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, उसको जो वो है ना उसका आप नंबर ले सकते हो इस स्टेज में जाके। तो आगे वो सब सीखेंगे हम लोग, पहले ये समझो, ठीक है। तीसरा स्टेज आता है इवेल्यूशन स्टेज। तो यहाँ पे आप ऑफर दो, बंदे को ऑफर दो, आप डायरेक्ट नहीं बेचना है, फनल की मदद से हमें बेचना है, ताकि उसे लगे कि यार हाँ एक वैल्यू स्टेज से हम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना लगे कि डायरेक्ट हमें बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंटेंट, परचेज एंड देन लॉयल्टी। सो फिर वो इंटेंट दिखाएगा, या तो वो मना करेगा, या फिर नेगोशिएट करेगा, या तो वो खरीद लेगा, ठीक है। सो इंटेंट दिखाएगा, इंटेंट समझना पड़ेगा, एंड देन परचेज विल हैपन, और जब खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट उसको पसंद आया, देन लॉयल्टी विल ऑटोमेटिकली हैपन, वो थोड़ा लॉयल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जब लॉयल हो गया, तो आप उसे और भी प्रोडक्ट्स अपसेल कर सकते हो एंड क्रॉस सेल कर सकते हो, राइट। दैट इज़ पावर ऑफ फनल। जो मैकडोनल्ड वाला एग्जाम्पल था, उन्होंने अपसेल किया था, फ्राइज, आपको कोक फ्राइज अपसेल कर दिया, आपने लिया बर्गर, साथ में आप पी रहे हो कोक, तो ये अपसेलिंग कर दिया आपको। तो बेसिकली कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो, तो अभी आप अवेयरनेस स्टेज में हो, अब धीमे धीमे आप मेरे बारे में और जानोगे एंड आप अलग स्टेज से पहुँच जाओगे। तो अब ये चीज़ समझ गए कि फनल मतलब कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं बेचना, हम एक प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फनल, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हैं, तो अवेयरनेस, डिस्कवरी, इवेल्यूशन, ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वेबसाइट में फनल कैसे काम करता है, जैसे ये फनल है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर। तो इसमें होता क्या है, ध्यान समझो, एक पेज बनाया, एक आपने लैंडिंग पेज बनाया, ये देखो एक आपने पेज बनाया, तो आप इसमें ई बुक फ्री दे रहे हो, क्या फ्री दे रहे हो, ई बुक यहाँ पे फ्री दे रहे हो आप, एंड देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा, और तुरंत इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे उसे एक ऑफर दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एक ऑफर दिया जाएगा। तो पहले
फ्री में ईबुक, बंदे ने देखा कि हाँ फ्री में ईबुक मिली है, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया उसे एक ऑफर आया, तो चांस बढ़ जाता है खरीद ले। वो डायरेक्ट ऑफर दिखाए तो फिर नहीं खरीदता इंसान। तो आप देख रहे होगे कि आप जब ऐड देखते हो सोशल मीडिया पे तो वो फनल ही होता है, मतलब वो आपको कुछ फ्री में दे रहे होते हैं या फ्री में ईबुक होता है, कुछ होता है, दैट इज़ फनल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फनल एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। अब जैसे ही ऑफर देता है, अगर आप ऑफर लोगे तो बहुत अच्छा बात, अगर ऑफर नहीं लोगे तो आप वोटियो पे जाओगे, ऑफर लोगे फिर भी जाओगे, नहीं लोगे फिर भी जाओगे वन टाइम ऑफर पे, अपग्रेड पेज पे, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। तो एग्जांपल के साथ मैं अभी समझाऊंगा आपको, ये मैं अभी आपको बिल्ड करना भी सिखाऊंगा कैसे आप फनल को बिल्ड कर सकते हो, बट ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पेज बनाना पड़ेगा। बहुत सारे फनल होते हैं, वेबिनार फनल होते हैं, एप्लीकेशन फनल होता है, बहुत सारा फनल होता है, बट बेसिक मतलब ये है कि कस्टमर की जर्नी होती है फनल, एक कस्टमर की जर्नी होती है फनल। तो ये आप देख रहे हो, तो ई बुक कोई फ्री मिलेगा तो वो ट्रस्ट बढ़ गया, जैसे ही ट्रस्ट बढ़ गया उसने आपको ऑफर लिया। तो अगर 100 लोग आते हैं इस पेज पे और 100 लोग इस पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल 100 लोग इस पेज पे आते हैं, 100 लोग इस पे जाएंगे नहीं, इस पे 30 लोग जाते हैं, ठीक है, 30 लोग ई बुक लेते हैं, इस पेज पे जाते हैं, तो क्या होगा, 30 में से कम लेट से 5 लोग तो ये ऑफर ले सकते हैं, बहुत महंगा ऑफर होगा नहीं पहला है। तो लेट से ये 299 का ऑफर है, ठीक है, अगर ये 299 का ऑफर है, 299 तो ये आराम से 5 लोग लेंगे इसको, और 5 × 3 = 15 तो 1500 रुपये यहाँ से बन गए आपके। फॉर एग्जांपल आपने 1500 रुपये ऐड में लगाए, आपके 1500 रुपये निकल गए, आपके फ्री में ईमेल आ गए। तो बेसिक कैलकुलेशन यही है, ओके। तो ये समझ गए आप कि आपको ये पेजेस बनाने होंगे, पेजेस बनेंगे कैसे अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ये पेजेस आप कैसे बना सकते हो और फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले सीखते हैं ये पेजेस बनते कैसे हैं। तो अभी आपने फनल के बारे में जान लिया है, बट जानने से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा कि फनल बनाते कैसे हैं। बेसिक आपको पता चला अभी कि फनल होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहीं मॉल में जा रहे हो, आपको कोई लड़की पसंद आई, आप उसे डायरेक्ट प्रपोज तो नहीं कर सकते ना, देर इज़ लॉट ऑफ स्टेप, राइट, प्रोसेस होता है। डायरेक्ट प्रपोज करोगे थप्पड़ मिलेगा, तो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो तब शायद आपको सफलता मिल जाए। तो वैसे ही यहाँ भी है, क्लाइंट आपको डायरेक्ट थोड़ी मिलेंगे, आपको अपना प्रोग्राम सेल करना डायरेक्ट थोड़ी सेल कर दोगे, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग करना डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, कोई मार्केट में ऐसे खाली नहीं बैठा है। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया बहुत ही तैयारी से, एंड व्हेन यू लॉन्च दिस विल हैपन। तो इसीलिए फनल बनाना जरूरी होता है ताकि आप एक प्रोसेस के थ्रू कस्टमर को ले आओ, और उस प्रोसेस के थ्रू आपका कस्टमर जो है वो आपका कस्टमर बन जाए, ठीक है। अभी सीखने वाले फनल बनाते कैसे हैं। दो सॉफ्टवेयर है फनल बनाने के, पहला है क्लिक फनल, दूसरा है ऑप्टिमाइज प्रेस। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं बट दो बेसिक अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, क्लिक फनल, ऑप्टिमाइज प्रेस। क्लिक फनल का प्राइस है $97 पर मंथ, लगभग 7,500 रुपया महीना। वहीं ऑप्टिमाइज प्रेस का प्राइस है $97 पर ईयर, मतलब 7,000 रुपये साल का। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑप्टिमाइज प्रेस, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो ऑप्टिमाइज प्रेस पे आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आप एलिमेंटर वगैरह से बनाना चाहते हो फिर भी बना सकते हो, अगर आपके पास है वो, ठीक है। बट मैं इसमें ऑप्टिमाइज प्रेस में करके दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें मुझे पसंद है। और तो अभी आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप यहाँ पे लाइव है, और मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज इसमें मैंने पहले से ऑप्टिमाइज प्रेस इंस्टॉल कर लिया है। तो क्रिएट ए न्यू पेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, बेसिकली बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, कोई टेम्पलेट चुनेंगे। तो क्या कौन सा फनल बनाना है, हमें बनाना है लीड जेन फनल, ठीक है। तो एक ईबुक है उसको हमें फ्री में देना है, तो कौन सा फनल यूज़ होगा, लीड जेन फनल, ठीक है। तो चलिए देते हैं एक बार ईबुक फ्री में। कौन सा आपको टेम्पलेट पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद आ रहा है। एक बार इसमें चेक करते हैं कौन कौन से टेम्पलेट हैं, कलेक्शन देखते हैं इनके, व्यू कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे ये वाला है मेरे को पसंद आया, ठीक है। इसे मैं यूज़ इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, बोला एंटर पेज टाइटल, तो पेज टाइटल मैं क्या दूँ यहाँ पे, लेट से ई बुक दे देता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ पेज। सो पेज बनने थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे पेज बन रहा है,
तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन हमारी खुल चुकी है, एडिटर खुल चुका है ऑप्टिमाइज प्रेस का। इसमें आप एडिट बड़े आसानी से कर सकते हो, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन चेंज दिस वर्ड्स, जस्ट क्लिक ऑन द बटन यू कैन चेंज दिस वर्ड एंड यू कैन चेंज द लिंक वगैरह सब कुछ बदल सकते हो। बड़ा ही आसान है, मतलब एडिटिंग करना बड़ा ही आसान है, बस उस पर क्लिक करना है। आप हर चीज़ कर सकते हो, बस खोजना पड़ेगा इसमें जाके। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये ई बुक का इसमें ये चेंज करना है इमेज, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो पहले, उसके बाद ये इमेज जैसा बना है ना उस पर क्लिक करो एंड देन रिप्लेस इमेज। तो आपको एक अलग से ये मॉकअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कलर चेंज करना है इसके लिए ये है, तो कई कई यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी नहीं जाएंगे, हम सिंपल एडिटिंग सीखेंगे पहले, तो इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। सो किस चीज़ की ई बुक है? फॉर एग्जाम्पल, हम ई बुक बेच रहे हैं, बेचना नहीं है, फ्री में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ई बुक दे रहे हैं फ्री में, लेट्स से SEO के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, फाइनली ए गाइड डेट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन ऑल स्टेप्स यू नीड टू मास्टर SEO, ठीक है, गुड गुड। तो ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज बना हुआ है, इसलिए मैंने SEO टॉपिक चुन लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे आराम से डबल क्लिक करके लिख भी सकते हो, ठीक है। एंड नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस, क्या होगा? तो पहले हम प्रीव्यू चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं प्रीव्यू एक बार। सो अभी हमारा पेज कुछ ऐसा दिखता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आएगा ऑप्शन, ठीक है, गेट एंटर योर ईमेल, गेट एक्सेस नाउ। तो आपको लग रहा होगा अभी कन्फ्यूजन कि ईमेल जाएगा कहाँ, ये ईमेल कहाँ जाएगा? तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। कई सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लाइक कन्वर्ट किट, ईवेबर, और बहुत सारे गेट रिस्पॉन्स भी हैं। तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, गेट रिस्पॉन्स से स्टार्ट कीजिए, वो बेस्ट है शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और आराम से उसे ऑप्टिमाइज प्रेस से इंटीग्रेट कर दीजिए, बड़ा ही आसान है इंटीग्रेट करना, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो बड़ा ही सिंपल है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें इंटीग्रेट करना है कि कोई भी ईमेल यहाँ पर डाले तो वो ईमेल हमारे पास आ जाए, तो आपको ये इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट ओवरले साइनअप पर क्लिक करना है, तो यही वाला साइनअप था ना, अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट इंटीग्रेशन, क्लिक किया। सो आप ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किट का इंटीग्रेशन ऐड करके रखा है, अगर आपको ऐड करना कोई और तो सिंपली ऐड न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक कीजिए, ऐड न्यू इंटीग्रेशन पे आपने क्लिक किया और अपने गेट रिस्पॉन्स को कनेक्ट कर लीजिए, सिंपली ऐड न्यू इंटीग्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे कई सारे इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल गेट रिस्पॉन्स, सो एपीआई की गेट रिस्पॉन्स के सेटिंग में जाके आप एपीआई के निकाल लोगे, वो यहाँ पे डालना है एंड दैट्स इट, वो कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरा कन्वर्ट किट है, तो मैं कन्वर्ट किट में आपको दिखाऊंगा। सो मैंने कन्वर्ट किट पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्टेप। अब वो कह रहा है कौन से फॉर्म में डालना है, तो फॉर्म मैं सेलेक्ट करता हूँ ABCD टैग, मतलब मैंने कई सारे कन्वर्ट किट में अपने टैग बना रखे हैं, वो ये फेच कर लिया है। तो यहाँ पे कई सारे टैग्स हैं, ये वेबिनार्स मेरे होते हैं उसके टैग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल लेटेस्ट अभी 12 February वाला देखते हैं, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस पर कोई रजिस्टर करेगा, हमारे 12 February वाली लिस्ट में वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्म फील्ड, कौन कौन सी फील्ड इसमें होगी, तो आपको नेम फील्ड ऐड करना है, आपको फ़ोन नंबर ही फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, वो तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फील्ड डालना है, नहीं मेरे को अभी उसका नहीं है, एक्स्ट्रा फील्ड नहीं डालेंगे। GDPR, नहीं। नोटिफिकेशन क्या आएगा, तो जैसे ही बंदा फॉर्म को कंप्लीट करेगा फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन दे दे कि थैंक्स यू विल रिसीव एन ईमेल सून, या फिर रीडायरेक्ट टू URL करें। आपको याद है फनल हम लोग जब बनाते हैं तो जैसे ही बंदा पहले पेज पे फॉर्म भरता है दूसरे पेज पे जाता है तो उसमें ये ऑप्शन यूज आएगा, तो रीडायरेक्ट टू URL पे क्लिक करेंगे और हम लोग जो सेकेंड पेज बनाएंगे उसका लिंक यहाँ पे देंगे, क्योंकि हमारा सेकेंड पेज अभी बना नहीं है तो अभी हम लोग इसमें नोटिफिकेशन कर देते हैं, अभी सेकेंड पेज बना के इसको लिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्लोज, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी यहाँ पे रजिस्टर करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा 12 February वाले में। तो आप गेट रिस्पॉन्स में अगर आप करें तो गेट रिस्पॉन्स के ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा जिसमें आप चाहते हो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है,
ये एडिटिंग करना तो बहुत ही सिंपल है, एडिटिंग आप कर लोगे, आप थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, इसमें आके डबल क्लिक करो, इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, हर चीज़ एडिट हो जाता है बहुत ही आसानी से। और आपको लेंथ हाइट विथ जो भी ऊपर नीचे करना है इसमें सब हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पे, इस पे एडिट कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी टूल है दोस्तों, ठीक है। नाउ अब बारी है सेकेंड पेज बनाने का, जो कि थैंक यू पेज होगा ना, एक थैंक यू पेज बना दे, और वहाँ पे हम लोग एक अपसेल भी करेंगे, ठीक है। सो इसको सेव कर दिया हमने फिलहाल अभी, और यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे क्लोज, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग ऑप्टिमाइज प्रेस क्रिएट न्यू पेज। तो इस बार एक अपसेल पेज बनाते हैं थैंक यू टाइप, ठीक है। तो जैसे ही कोई फ्री में साइनअप करेगा उसे एक ऑप्शन आएगा, क्या आएगा आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट से थैंक यू पेज, फिर अपसेल पेज, अपसेल एंड डाउनसेल, ये रहा, तो इसमें सेलेक्ट करते हैं हम लोग। सो ये अपसेल पेज है राइट, ओके। सो इसमें टेम्पलेट चूज करना है, ये थोड़ा समय लगता है इसमें, बट आराम से आप चूज कर सकते हो सोच के कि आपके ब्रांड के लिए कौन सा बढ़िया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं, मैं कन्फ्यूज हो गया किसमें जाए, तो चलिए कोई एक चूज कर लेते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो ये ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। यूज दिस टेम्पलेट, और इसका नाम देते हैं थैंक यू पेज। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट अच्छा नाम देना, ठीक है, बिकॉज यही आपके URL में ऐड होगा। हाँ URL चेंज भी कर सकते हो, बट शुरुआत से ही क्लीन काम रखो, ठीक है। सो या हम लोग थैंक यू पेज बना रहे हैं, अब इसको लोड होने देते हैं। सो यहाँ पे ये लोड हो चुका है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे, ठीक है। वेट, स्पेशल वन टाइम ऑफर, जैसे ही कोई ई बुक फिल करता है ना, तो उसके उस पर क्या आना चाहिए, उस पर आना चाहिए ये थोड़ा मैं चेंज करूँगा, इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये मैं डिलीट करना चाहूँगा, इसमें मैं कुछ और ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक हेडलाइन ऐड करते हैं, योर ई बुक विल डिलीवर इन योर मेल विद इन लेट से 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स लिखते हैं, ताकि लोग यहाँ पे टिके रहें 10 मिनट्स। बट वेट, स्पेशल वन टाइम ऑफर, ठीक है, बट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 10 मिनट में ई बुक आएगी, बट वेट, स्पेशल वन टाइम ऑफर। अब एक वन टाइम ऑफर आप दोगे, अब यहाँ पे आप 4-5 ई बुक एक साथ कंबाइन कर दो, वहाँ पे बंडल बनाओ और लिखो कि सारी ई बुक आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लेट से ₹299 में, ठीक है, ₹299 में टोटल वैल्यू हो गया इसका। आप थोड़ा एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो पहली ई बुक का नाम आप दो, दूसरी ई बुक का नाम दो, पांचवी ई बुक का यहाँ पे नाम दो। तो पहली ई बुक लेट से पर्सनल ब्रांडिंग मास्टर क्लास, पर्सनल ब्रांडिंग मास्टर क्लास। दूसरी ई बुक है लेट से, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल तरीके से लिखा है कि आपको 5 ई बुक मिल रही हैं एट प्राइस ऑफ 1, 299, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक बटन ऐड कर देंगे बाय नाउ का, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए, और बटन, तो यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग बटन, बटन यहाँ पे ऐड कर देंगे, और बटन को थोड़ा बड़ा करेंगे पहले हम लोग। सो हम लोग यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग इस पे टेक्स्ट साइज पे जाएंगे, साइज, इसे साइज को बढ़ा लेंगे, ठीक है। गेट दिस वन टाइम ऑफर, गेट दिस वन टाइम ऑफर, इसका कलर जो है हम लोग थोड़ा सा ग्रीन कर दे, या फिर लेट्स से इसको हम लोग कलर यहाँ से बदलेंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, या फिर ग्रीन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। सो इस तरीके से आप थोड़ा वो चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ओके। बॉर्डर चेंज करना है आपको, बॉर्डर कलर, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो देखो गेट दिस वन टाइम ऑफर यहाँ पे सुंदर सा लिखा आ गया। अब भाई कौन इस पर क्लिक नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 ई-बुक का एक बैनर है छोटा सा, अब उसको एक ई बुक फ्री मिल चुकी है 5 सिर्फ 299 में, तो इससे क्या होगा, आपने एड रन किया लेट से, आपने ₹300 में 10 लोग यहाँ पर आए आपके, ठीक है, ₹300 आपने फेसबुक एड पर लगाया, 10 लोग यहाँ पर आ गए, तो 10 में से एक तो खरीदेगा, आपका एड कॉस्ट रिकवर हो गया पूरा,
ठीक है, आपका एड कॉस्ट रिकवर हो गया तो आप फ्री में ईमेल ले रहे हो और आपकी फ्री में ऑडियंस बिल्ड हो रही है. दैट द पावर ऑफ फनल्स गाइस, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ फनल्स. सो बस आप दोनों कनेक्ट कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है. इस पेज को हम लोग करेंगे पब्लिश, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे पब्लिश. यहाँ पब्लिश का बटन है, उस पर हम लोग करेंगे क्लिक और ये हमारा URL है अभी तो pahero.com/thankyou page. इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे, एक बार न्यू टैब में चले जाएंगे और इसको URL को कॉपी करके रखेंगे, ठीक है. ऑलराइट, उसके बाद हम लोग ऑल पेजेस में जाएंगे, हम लोग सर्च करेंगे अपना वाला पेज जो हमने पहले बनाया था, ईबुक नाम से कौन से पेज है, ये वाले, ठीक है. प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही है, ठीक है. सो एडिट विद ऑप्टिमाइज प्रेस पे क्लिक करते हैं, एडिट विद ऑप्टिमाइज प्रेस हमने क्लिक किया, ये ओपन हो चुका है. अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पॉप ओवरले पे जाएंगे, एडिट ओवरले साइन अप एंड देन विल क्लिक ऑन दिस इंटीग्रेशन, एडिट इंटीग्रेशन और हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप. सब कुछ स्टेप पहले से, हम लोग सिर्फ लास्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट 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 और यहाँ पर रिडायरेक्ट टू URL करेंगे और इसमें अपना URL वही वाला डाल देंगे, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप एंड डन. और इस पेज को भी हम लोग कर देंगे पब्लिश, ठीक है. तो इस पेज को भी हम लोग पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिट, सेव हो जाने देते हैं, एग्जिट एंड देन पब्लिश, ठीक है. पब्लिश करते ही अब ये जो लिंक है abhijitpahero.com/ebook ये एक्टिव हो जाएगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस. अब एक बार चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर हूँ, मैं यहाँ पर देखा, वाह क्या बात है, SEO की ईबुक फ्री मिल रही है, वाह आइए इसे खरीदते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह हम लोग डालेंगे, लेट से मैं धनंजय का डाल देता हूँ जो हमारी टीम में है. गेट एक्सेस नाउ, इस पर हमने क्लिक किया. ओ वेट, स्पेशल वन टाइम ऑफर, क्या है भाई, अच्छा 5 ईबुक मिल रही है. सो आप गेट दिस वन टाइम ऑफर पर क्लिक करोगे, आपके आप इंस्टा मोजो रेजर पे कुछ भी करंट करके पेमेंट ले सकते हो, ठीक है. सो बड़ा ही सिंपल तरीका है. फनल का पावर एक आपने छोटे लेवल पे देखा, फनल का पावर बहुत ज़्यादा है. ये सिर्फ ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप फनल प्रॉपर बनाओगे ना, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी. अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे, कॉपी राइटिंग करोगे, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, ठीक है. तो आइए चलते हैं अपने फिर से स्मार्ट बोर्ड पे और उस पर कैलकुलेशन करते हैं कि आप इस फनल से कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है, और कितने कस्टमर आप एक्वायर कर सकते हो. सो अब हम थोड़ा करेंगे कैलकुलेशन. जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है. कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे. मैथ हमेशा तैयार होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आप रेडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैथ पता होना चाहिए, ठीक है. तो हम अब करने जा रहे हैं कैलकुलेशन. तो हमने जो पेज बनाया है, पहला पेज हमारा ई बुक वाला पेज है, लेट से ई बुक, ठीक है. हमारा दूसरा पेज है एक आप कह लो कि एक अपसेल ही मान लो, ठीक है, एक अपसेल पेज है. और जो तीसरा पेज है वो थैंक यू पेज है कि थैंक यू आपने हमारा सामान खरीदा, ठीक है. वो भी आप बना सकते हो, वो तो हमने बनाया नहीं बट ये बना सकते हो. तो जो पहला पेज है ई बुक, जैसे ही कोई ई बुक फ्री में लेगा तो वैसे ही वो सेकेंड पेज चला जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक ऐड का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक ऐड हम रन करते हैं एंड उससे होगा क्या, लेट से हमें 5 रुपये में एक क्लिक मिलती है. जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये में एक क्लिक, जो कि इंडिया में बहुत सही है, मतलब इससे कम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीश. तो 5 रुपीज पर क्लिक, ठीक है, 5 रुपीज पर क्लिक. अब लेट से इस पेज पे 100 लोग आते हैं, इस पेज पे 100 लोग आते हैं और मान चलते हैं आपने कॉपीराइटिंग बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, 40 लोग आपकी ईबुक फ्री में डाउनलोड करते हैं, ठीक है. तो उन्होंने अपना ईमेल नंबर नेम फ़ोन नंबर डाला, तो 100 लोग आए, तो इसमें पैसा कितना लगा, पहले 500 रुपीज़ में लग गया बिकॉज 100 लोग इस पेज पे क्लिक कर चुके हैं,
ठीक है, तो 500 रुपीज़ आपका लग गया, लेकिन 40 लोग इस पेज पे आ गए। कितने लोग? 40 लोग इस पेज पे आपके ईबुक डाउनलोड किया 40 लोगों ने, और आपके 500 रुपए लग गए। अब 40 लोग इस पेज पे जाएंगे, वो देखेंगे कि अच्छा ऑफर, 40 में से कितने लोग खरीद लेंगे, 299 का ऑफर है, 299 रुपीज़ का ऑफर है, ठीक है, तो कितने लोग खरीद लेंगे कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत तगड़ा ऑफर था। मैं मान चलता हूँ 40 में से अगर हम 10% भी कन्वर्जन मान चलते हैं, ठीक है, तो 4 लोग तो 1200 रुपये हमारे निकल गए, ठीक है। अब दैट इज पावर ऑफ फनल, यू इन्वेस्टेड 500 रुपीज़ टू गेट बैक 1200 रुपीज़। मैं तो कहता हूँ 1200 रुपये भी एड में लग गए होंगे, मैक्सिमम जितना लगेगा नहीं, बट 1200 रुपये भी अगर लग गए होंगे तो आपके सारे पैसे वापस आ गए, प्लस आपको एक कस्टमर फ्री में मिल गया। अब उसे आप ईमेल भेज भेज के बाद में कुछ और भी सेल कर सकते हो। सो दैट इज़ द पावर, दैट इज़ द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ फनल। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि इसका बेनिफिट क्या है, दैट इज़ द कैलकुलेशन पार्ट। तो आज आपने सीखा फनल क्या होता है, फनल की पावर आपने देखा थोड़ा सा, और अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप प्रॉपर फनल बनाना जानते हो तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से बनती है वीडियोस, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलती रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक हम लोग क्या रखें, क्या हम लोग कुछ और फनल्स बिल्ड करें, या फिर कोई और टॉपिक आप चाहते हो, क्लाइंट्स लेना कैसे, क्या सीखना चाहते हो आप मेरे को बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। We'll be right back.